हेलो दोस्तों, मैं एसपी और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसपी गोगर में। तो दोस्तों, आज हम हमारी वीडियो में बात करेंगे अपने मोबाइल की जो रैम रोम होती है उसको कैसे पता करें, क्योंकि दोस्तों हम जब भी कभी नया या पुराना मोबाइल लेते हैं किसी से तो उसकी रैम रोम अवश्य पता करते हैं कि उसकी क्या रैम है क्या रोम है। अगर वो मोबाइल जो नया है तो आपको उसको पैकेजिंग पर आपको पता चल जाएगा कि क्या रैम रोम वगैरह है उसकी, और अगर उसकी पैकेजिंग के अलावा उसको सेटिंग में जाकर भी देखना हो तो वहां पर भी आप ये चीज देख सकते हो कि उस मोबाइल की क्या रैम रोम है। तो आज हम वही चीज करने वाले हैं हमारी वीडियो में कि हम मोबाइल की सेटिंग में जाकर देखेंगे कि क्या रैम रोम है उस मोबाइल की। ये चीज बहुत से लोगों को पता है रैम रोम कैसे देखा जाता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है, फिर पता होता भी है तो वो भूल जाते हैं और फिर यूट्यूब पर आकर ऐसी वीडियो सर्च करनी पड़ती है उनको। तो चलिए फटाफट से वीडियो शुरू कर लेते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। दोस्तों, मैं आज को मोबाइल की स्क्रीन पर मैं सीधे ऐसे सेटिंग को ओपन कर लेता हूँ। जैसे ऐसे सेटिंग को ओपन करूँ आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा अपनी सेटिंग का। मैं मेरी वीडियो के लिए अभी वीवो का Y20 मोबाइल यूज कर रहा हूँ और इस मोबाइल में कुछ इस प्रकार से सेटिंग आप देख सकते हो, क्योंकि दोस्तों हर मोबाइल में सेटिंग का फंक्शन अलग अलग होता है, किसी के मन में ऊपर नीचे ऐसे होता रहता है, लेकिन लगभग चीज़ें सब में सेम ही होती है। मैं आज आपको मेरे इस मोबाइल में वो रैम रोम चेक करके बताऊँगा, आप अपने हिसाब से आपके मोबाइल में देख लेना। नीचे जैसे स्क्रॉल करूँगा अब मेरे सामने यहाँ पर रैम एंड स्टोरेज स्पेस का बता रहा है, मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो देख तो मेरे पास 64 GB का स्टोरेज है, उसमें 54.28 GB का मेरा स्टोरेज यूज्ड है और अवेलेबल मेरे पास 9.72 GB का, मतलब इतना स्पेस और खाली है मेरे पास। लेकिन मैं आपको जो चीज़ बताने जा रहा हूँ ये वाली वो चीज़ नहीं है, उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर नीचे देख सकते हो, यहाँ पर मेरे सिस्टम मैनेजमेंट है सबसे ऊपर देख सकते हो, तो यहाँ पर मैं इन पर क्लिक कर दूंगा। इस पर जैसे जैसे क्लिक करूँगा आपके सामने यहाँ पर भी अभी कुछ नहीं दिख रहा होगा इस सेटिंग में, तो इसलिए सबसे पहले जो अबाउट फोन का फंक्शन है इस पर यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। जैसे ऐसे क्लिक करूंगा ये मेरा मोबाइल का सारा चिटा पिटा खोल दिया, पूरे डाटा वगैरह निकाल दिया इसने मेरे। मेरे मोबाइल का मॉडल नंबर है Vivo 2029 और यहाँ पर Vivo रोम है, मतलब रोम वगैरह से पढ़ सकते हो। यहाँ पर एंड्रॉइड वर्जन 12 है, प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन वगैरह, और यहाँ पर रैम बता रहा है 4 GB की और फोन स्टोरेज मतलब रोम बता रहा है 64 GB की, जो कि हमने पीछे देख कर आया अभी वहाँ पर। और इसका MII नंबर निकालना थी, MII नंबर मैंने इसको ब्लर कर रखा है अभी यहाँ से, तो बस ऐसे ही यहाँ से ढूंढ सकते हो। और आपको अगर नहीं मिलता है यहाँ पर आपको सर्च बार जो मैंने बताया पीछे उसको यहाँ पर सर्च बार में जाकर यहाँ पर अबाउट फोन सर्च कर लेना, मैं यहाँ पर सर्च करके बताता हूँ आपको। मैंने यहाँ पर अबाउट फोन लिख दिया, मेरे सबसे ऊपर यहाँ पर अबाउट फोन आ गया, यहाँ पर सिस्टम मैनेजमेंट में जाकर अबाउट फोन का फंक्शन बता रहा है। तो जैसे आप मैं क्लिक करूँगा आपको सबसे पहले वही चीज़ पर अपना रिडायरेक्ट कर देगा, तो ऐसे आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ दोस्तों, बस यही थी आज की वीडियो, उम्मीद है मुझको वो मेरी वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि दोस्तों मैंने मेरी वीडियो में बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। दोस्तों, अगर आप और भी कुछ ऐसी वीडियो देखना चाहते हो मेरी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं मेरे चैनल पर यूट्यूब से लेते टिप्स एंड ट्रिक को सोशल मीडिया एप्लीकेशन से टिप्स एंड ट्रिक की वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।